फिर से स्वागत है आप लोग को हम लोग का फूलोक सर का यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस मैं हूँ कांचा फूलोक सर और अमित भैया पीछे मेरे साथ आनंद भैया और बाइक में जा रहे हैं कार्बी अंगलोंग वेस्ट कार्बी अंगलोंग कोटा लांगसू। एंड देन गाइस वो पीछे में देखो लंबा चौड़ा आदमी जा रहे हैं गाइस बहुत तगड़ा फील आने वाला है गाइस। और उधर रास्ता भी बहुत मस्त है लुक्स भी क्या मजा है गाइस। एंड देन ये साथी सिक्स सेंटर और अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं मिनिमम ज़्यादा पिकअप नहीं दे सकते गाइस बहुत धूप है और प्लस रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है कि भी अभी अभी यहाँ पे बागवानी से मुक्त हुआ है ये मंदिर गाइस इधर का काली मंदिर है ये हॉस्पिटल है गाइस। ज़्यादातर गांव का एरिया में ही हॉस्पिटल नहीं रहता है गाइस बिकॉज ये बना के बहुत अच्छा किया है। अभी हम लोग तो थोड़े ही मतलब होजाई से निकल के थोड़े ही गए हैं और बहुत आगे हैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा दिखाऊंगा तो गाइस थोड़े धीरे धीरे गाइस थोड़ा दूर में ना आप लोग को पहाड़ दिख रहा होगा वो देखिए पहाड़ और सामने से भी दिखाएंगे जा ही रहे हैं उधर ही पहाड़ के बीच में ही है जो एरिया हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा एरिया है और बहुत कुछ दिखाएंगे गाइस रास्ते में बहुत कुछ मिलने वाले हैं जैसे जैसे एडवेंचर जैसी जगह है उधर। और देखते हैं खेती देख रहे हो इतना अच्छा खेती किया था पर गाइस प्रकृति ने ये लोग को शायद साथ नहीं दिया इस बार और जो बारिश आया बारिश का पानी में पूरा ये डूब गया पूरा देखो जितना लंबाई दिख रहा है ना उतना में ही खेती होता है बिकॉज ये लोग का सारा साल का ना वो इनकम ही इसी से होता है क्योंकि कोई किसान जब खेती करता है ना तभी हम लोग खा पाते हैं या तभी गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ देखना चाहिए बिकॉज यहाँ पे मिनिमम आँख बंद किए भी यहाँ पे 40 से 50 मतलब बीघा माटी होगा तो उतना माटी का खेती मतलब ख़राब होना आप समझ सकते हो कितना नुकसान का बात है बिकॉज थोड़ा थोड़ा जगह में रहे हैं और बहुत सारा ये जगह देखो पानी से भी भरती है ही नहीं बिकॉज थोड़ा दिन पहले भी इधर बहुत था और ख़राब भी लगता है गाइस क्योंकि वो लोग इतना मेहनत से करते हैं और जब नहीं मिलता है सक्सेस तो देखिए गाइस इतना अच्छा है ना इधर का माँ ये सब जगह में ना गाइस कभी भी हो आप लोग अगर आप असम आते हो ना तो कार्बी अंगलोंग आना मत भूलिएगा क्योंकि इतना तगड़ा जगह ना असम में बहुत कम ही है हम लोग के असम पे। तो गाइस देखते हैं आगे क्या क्या मिलते हैं वो लोग देखो खेती करने भी जा रहे हैं बहुत अच्छा है। गाइस अभी हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं और ये है स्कूल डॉन बॉस्को बहुत पॉपुलर स्कूल है वो गाइस ये सिर्फ एक स्कूल नहीं हम लोग असम में हर जगह असम एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे गांव एरिया बहुत है और मतलब बहुत अच्छा भी लगता है पर आदमी लोग बाहर का आदमी लोग क्या सोचते हैं क्या यार डेवलप नहीं है ऐसा नहीं वैसा नहीं पर वो बात नहीं है गाइस बहुत अच्छा है वहाँ का इज्जत और यहाँ का इज्जत ना बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि कितना रूड बिहेव करते कोई भी दुकान में जाओ बोलते हैं सुबह सुबह माथा खाने आ गया ऐसा वैसा हट और यहाँ पे आप जाओगे ना अगर कुछ भी बोलने जाओगे इतना इज्जत से बोलेंगे वो सुन के ही दिल खुश हो जाता है गाइस। और बाय द वे वो सब बात बोलते बोलते तो बहुत ही लंबा ही वीडियो हो जाएगा तो अभी चलते हैं फिर से दिखते हैं और लग रहा है उधर का वेदर भी इतना अच्छा नहीं है गाइस क्योंकि वो देख सकते हैं थोड़ा मतलब अंधेरा जैसा टाइप हो रहा है उस साइड में कोई बड़ा बात नहीं है गाइस हम लोग तो क्या बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी या कहीं भी पहुंच जाएंगे खतरा पूछे गाइस वहाँ पे ना खेती कर रहे देखो गाइस अच्छा से अगर आप लोग देख सकते हो देखो इंसान है कुछ खेती कर रहे बिकॉज अभी मैं रोक नहीं सकता हम लोग को और भी देर हो रहा है और यहाँ पे है ये बीजेपी का ऑफिस है और ऊपर में देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आई सैल्यूट हिम हर किसी को करना चाहिए वो हम लोग के क्या बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे अभी नहीं है बिकॉज वो भी देश के कुछ काम करके गए थे बहुत कुछ कुछ ही नहीं बहुत कुछ। और देखिए गाइस क्या मजा ओ भाई काश मैं ऐसा जगह में पैदा होता क्या यार टाउन टाउन गाइस अभी हम लोग सब साथ में गाइस गला फाड़ने का कोई मतलब ही नहीं ये देखिए गाइस पहाड़ के सामने सामने पहुंचने वाले हम लोग समझिए मत वाटरफॉल का पानी है ये ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको बारिश का पानी है और
बहुत वाटरफॉल का पानी भी। बारिश में और ज्यादा हो जाता है। देखिए अब कहीं से जा रहा है पानी।